मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर कृपाल सिंह, पीजीटी साइंस, मिशन अकेडमी मनुपुर। आज का हमारा टॉपिक है करोजन। करोजन का मतलब होता है जंग कहते हैं। करोजन फर्स्ट वन देखिए, आप इसकी डेफिनेशन क्या है करोजन की, किसे हम करोजन कहेंगे। वैसे जंग लगना ही करोजन है, किसी भी चीज किसी भी मैटर पर जंग इसमें करोजन। वेल A metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, it is said to corrode and this process is called corrosion. It means, again suggestion, when a metal is attacked by a substance. जब कोई मेटल किसी substance, जब किसी मेटल पर किसी substance के द्वारा अटैक किया जाता है, जैसे कि for example moisture, नमी, एसिड के द्वारा, तो मेटल कैसे हो जाती है, करोड़ हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे छह नष्ट होने लगती है। इस प्रोसेस को ही करोजन कहते हैं। अगेन समझिए इसको, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू बी करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक आयरन पीसेस है, इसका आप कलर देख रहे, कलर देख रहे हैं कैसा है, ब्राउनिश कलर है इसका। इट मींस ये मेटल है, आयरन से बना हुआ है, और इस मेटल पर इसके चारों तरफ से किसने अटैक किया है, मॉइस्चर नहीं, नमी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो इस पे क्या है, करोड़ हो गया, करोड़ इसका करोजन हो गया है। इट मींस इसके चारों तरफ रस्ट लगी हुई है, जंग लगी हुई है, तो इस प्रोसेस करोजन कहते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मींस चांदी, सिल्वर मींस चांदी होता है, तो चांदी के बने हुए जितनी भी चीजें बनती हैं, बहुत सारे आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो उनमें धीरे धीरे हम पहनते हैं या रखे रहते हैं चांदी के आभूषण, तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग टाइप की आती है, मतलब वो चांदी के जो चीजें बनी होती हैं, वो थिंग्स होती हैं, उन पर वो भद्दी पड़ जाती है, कलर उनका डल हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, वो करोजन की वजह से होता है। तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के बने हुए, चांदी के बने हुए जितने भी आभूषण होते हैं, उनका कलर डे बाई डे धीरे धीरे डल होता चला जाता है करोजन की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर तांबा आपने देखा होगा, तांबे को अगर ओपनली ऐसे छोड़ दिए बहुत लंबे समय तक, तो अगर वहां पर नमी है, मॉइस्चराइजर है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि तांबे के ऊपर ग्रीनिश कलर के स्पॉट टाइप में दिखाई पड़ते हैं, इसे करोजन कहते हैं। जंग जैसी लग जाती है तांबे पर, ग्रीनिश स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, हरे कलर के स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। इस करोजन की वजह से करोजन डैमेज टू द कार बॉडीज, आप देखते हैं अगर कहीं भी कोई आपकी मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, लंबे समय तक अगर रखी रहे एक जगह, उसका यूज ना करें, तो उसकी जो बॉडी होती है वो डैमेज हो जाती है धीरे धीरे। नेक्स्ट वन, ब्रिजेस, इट मींस बहुत बड़े बड़े पुल होते हैं, काफी लंबे समय तक बने होते हैं, धीरे धीरे उनका यूज होता है, धीरे धीरे करोड़ हो जाते, होते चले जाते हैं, और लास्ट में डैमेज हो जाते हैं। आयरन रेलिंग, मकान वगैरह बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें लोहे की बनी रेलिंग होती है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि रेलिंग डैमेज होती चली जाती है, उनमें ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ती चली जाती है। सिर्फ समुद्र में, इट मींस पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो जहाज भी करोजन की वजह से क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आयरन का पीस है, इस पर आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, देखें आप इस पर जंग लगी हुई है, तो करोजन की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करोड़ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, एक समय यह ऐसा आएगा ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल और है, या कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, समझिए रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मेरे पास में आयरन का पीस है, देखिए, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, अ रेडिश ब्राउन मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है Fe2O3 एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। इट मींस जैसे कि मेरे हाथ में आप आयरन लेंस देख रहे हैं, ये आयरन से बनी हुई है, इसको हमने लंबे समय तक क्या किसकी एयर की विजय में छोड़ दिया था, और एयर भी होती है कि
सब जगह एयर है, एयर में मॉइस्चराइज नमी भी होती है, तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन से और मॉइस्चराइज में H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है H2O3, और धीरे धीरे इसमें जंग के जैसा आप जैसे देख रहे हैं जंग लग जाती है, इसे ब्लस्टिंग का आयरन कहते हैं। इसे हम समझेंगे एक रिएक्शन के थ्रू, जैसे मेरे हाथ में आयरन लेंस है, आयरन का पीस है, इसके जिस तरह से आयरन जंग लगी हुई है, तो क्यों लगी और कैसे लगी है, रिएक्शन की बात करते हैं। 4F मींस ये आयरन है, आयरन का सिंबल है Fe, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, O3O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 2H2O वाटर की प्रेजेंस में, प्लस ऑक्सीजन की गैस फॉर्म में है और वाटर की गैस फॉर्म में, क्योंकि मॉइस्चराइजर की नमी जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है। जब ये Fe से रिएक्ट करेगी क्या बनाएंगे, 2Fe2O3 × H2O, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ये हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं, ये हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, आयरन है लेकिन हाइड्रेट है, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन की है और वाटर ने भी मॉइस्चराइजर ने भी रिएक्शन, मींस वाटर ने भी रिएक्शन की है, तो ये मिल गया है, हमारा बन गया है 2Fe3H2O इज हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें जंग लगी हुई है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए इक्वेशन के माध्यम से समझिए, 2Cu ये सॉलिड फॉर्म में है, इट मींस Cu इज कॉपर तांबा प्लस CO2 गैस प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है, वाटर क्या हमें बन रहा है, CuCO3 × C4OH का ग्रुप है, तो इस तरह से ये कॉपर पर जंग कर जाता है, इट मींस कॉपर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्शन करके कॉपर को पर कॉपर के ऊपर, मींस कॉपर से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट पर, उस पर आप देखेंगे हल्के से ग्रीनिश कलर के स्पॉट टाइप में दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से कॉपर का कोरोजन हो जाता है या फिर रस्टिंग ऑफ कॉपर भी हो जाती है। नेक्स्ट वन, अब ये हमने आज अभी कोरोजन के बारे में देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन के, अब कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाव कैसे करेंगे, किस तरह से इसे बचाएंगे चीजों को, थिंग्स को, इनसे कोरोजन से या रस्टिंग से। यस स्टूडेंट, अभी हमने समझा कोरोजन और रस्टिंग, कोरोजन और रस्टिंग में से एक ही होता है, कोरोजन और रस्टिंग, बट कोरोजन या रस्टिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बचाएंगे कैसे, कैसे इसकी केयर करेंगे, किस तरह से केयर करेंगे, कि बहुत सारे हमारे घरेलू ऑब्जेक्ट होते हैं इनका यूज करते हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपने देखा बहुत सारे किचन के अंदर बर्तन होते हैं, उनको कैसे बचाएंगे इसकी कोरोजन से रस्टिंग से, तो इसके कुछ तरीके हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं, देखिए कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग कैसे बचाव करेंगे। फर्स्ट वन, बाय पेंटिंग। ये क्या है, बाय पेंटिंग, इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि उस पर रस्ट लग सकती है, जंग लग सकती है, कोरोजन हो सकता है, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का पेंट करते करेंगे हम, तो कोरोजन से बच जाएगा, रस्ट लगने से बच जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे हम घरों के अंदर मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय आयरन से बनी हुई बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको कोरोजन से रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन प्राइमर करते हैं, फिर उस पर कलर करते हैं, फिर हम सोच लेते हैं कि अभी हम रस्ट से बच जाएंगे और बच भी जाता है। तो फर्स्ट वन क्या तरीका है, रस्टिंग बाय पेंटिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए पहला मेथड क्या है, बाय पेंटिंग, पेंट का यूज करेंगे। सेकेंड में बाय ग्रीसिंग या वाइट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम ग्रीसिंग का यूज करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप बाइसिकल का यूज करते हैं या मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, आपको लग रहा है हम कुछ समय के लिए बाइसिकल साइकिल या मोटरसाइकिल यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो पहिए होते हैं रिम जिसे हम कहते हैं, वो आयरन से बने होते हैं, तो आपको लगता है उस पर रस्ट लग सकती है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, वो रिम्स पर या तो ग्रीसिंग का यूज करें, ग्रीसिंग के लिए ग्रीस का यूज करें लगा दें उस पर, या फिर वाइट
मूवी आइल वगैरह लगा दिए तो उस पर क्या होगा, वाटर जो होगा नमी जो होगी वो रुकेगी नहीं, इस तरह से उस पर किसी प्रकार की डस्ट नहीं लगेगी, करोजन उसका नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स को भी हम ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग के थ्रू रस्टिंग से करोजन से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन गैल्वेनाइजेशन इट मींस कोटिंग। इसको समझिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग क्या होती है। आपने मार्केट में बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जैसे हैंगर जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, उसमें आप देखें हैंगर भले ही आयरन का बना हो लेकिन उसके ऊपर एक लेयर टाइप की चढ़ी होती है जो चमकदार होती है, इस पर पानी वगैरह वाटर वगैरह रखता नहीं है, इस तरह से उस पर रस्ट नहीं लगती है, तो वह क्या है, कोटिंग कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए तो देख सकते हैं आप साइकिल या मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है या उसके जो पहिए होते हैं व्हीकल्स उन पर आप देखेंगे एक चमकीली लेयर टाइप की दिखाई पड़ेगी। तो चमकीली लेयर क्या होती है, एक प्रकार से मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, मतलब एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या कोटिंग कहते हैं। तो आयरन के ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो मोटरसाइकिल का हैंडल हो चाहे साइकिल का हो चाहे उसके पहिए हो, आयरन के होते हैं बने हुए, लेकिन उसमें स्टील या निकल की लेयर चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस तरह से जिससे वो ओरिजिन से या रस्टिंग से सेफ रहे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे अदर एग्जाम्पल देंगे, हमारे घर के किचन के अंदर बहुत सारे हम खाने पीने के लिए बर्तन का यूज करते हैं, उनके ऊपर वो चमकदार होती है, एक प्रकार की लेयर टाइप की चढ़ी होती है, वो भी गैल्वेनाइजेशन के थ्रू होता है, उन पर रस्ट नहीं लगती जल्दी, रस्टिंग नहीं होती है। ऐसे मोटरसाइकिल हैंडल है, ऐसे कार की बॉडी होती है, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू या कोटिंग के थ्रू उनमें एक प्रकार की मेटल पर दूसरे प्रकार की मेटल की एक परत या लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसे हम कोटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन एलॉय। एलॉय क्या होती है, एलॉय के बारे में ऑलरेडी शायद मैं समझता हूँ जानती हूँ। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है उसे हम एलॉय कहते हैं। दो या दो से मेटल्स का मिक्सचर होता है उसे एलॉय कहते हैं। एलॉय किस तरह से रस्टिंग में हेल्प करेगा, हमारी कोरोजन में हेल्प करेगा, तो एलॉय में हम देखेंगे किस तरह से दो या दो से अधिक मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं उनमें रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन नहीं होती। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर देखें, ब्रास, ब्रास का नाम सुना है, ब्रास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं, तो ब्रास किससे मिलकर बनता है, ब्रास टू मेटल से मिलकर बनता है, सीयू एंड जेड, कॉपर और जस्ते से मिलकर बनता है। कॉपर और जस्ते को एक निश्चित क्वांटिटी में एक निश्चित रेशियो में जब मिक्स करके न्यू मेटल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं ब्रास। ब्रास एक ऐसी मेटल बन जाती है, इट मीन ऐसी मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है दोनों मेटल के मिक्सचर से जिस पर किसी प्रकार की रस्ट या कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखिए हम ब्रॉन्ज, बी आर एंड जेड, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक प्रकार का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, ये भी टू मेटल से मिलकर बना होता है, जैसे जैसे सीयू एंड एसएल, इन दोनों के मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनता है, और ब्रॉन्ज इस प्रकार की एलॉय होता है, इस पर किसी प्रकार की रस्ट या कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट वन थर्ड एग्जांपल है सोल्ट, किसका मिक्सचर होता है, टू मेटल्स का मिक्सचर, ये पीबी और एसएल का मिक्सचर होता है, इस पर ये पर भी किसी प्रकार की रस्टिंग या कोरोजन नहीं होती है। सोल्डर वही है जो आप समझ रहे हैं थोड़ा सा, जो कभी भी हमारे मोबाइल में, रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी में अगर कोई पॉइंट्स हट जाता है उसको जोड़ने के लिए इसी सोल्डर का यूज किया जाता है, जो पीवी और एसएल से मिलकर बना होता है। तो आज हमारे एक टॉपिक क्लियर हुआ, करोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं, रस्टिंग कह सकते हैं, करोजन कह सकते हैं। तो आप आज आपने समझा इसका करोजन का मीन्स क्या है, किसे कोरोजन कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन, इससे कैसे बचाइए, तो एक बार दोबारा देखते हैं प्रिवेंशन के तरीके से बचाओगे, बाई पेंटिंग, बाई ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन या कोटिंग कहते हैं इसे, एलॉयिंग